हेलो दोस्तों, क्या हम सब मजा में तो स्वागत है पर ड्रीम गैराज 22 में। तो आज हम बात कर रहे हैं Hyundai की तरफ से ऑल न्यू Tucson के बारे में। Tucson के अंदर Tucson के अंदर जो कह रहे हैं तो जो Hyundai में जो SUV का सेगमेंट है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। आप Tucson ले लो, Alcazar ले लो, Creta ले लो, Venue ले लो, तो काफ़ी बढ़ गया है वो सेगमेंट भी। इस सेगमेंट ने जो आप बढ़िया जो प्राइस के मामले में कह लिया और डायमेंशन के मामले में कह लो, ये काफ़ी बड़ी है ये। और इसके आप तो आज हम उसके बारे में जानते हैं कि क्या वेरिएंट आता है, क्या कलर आता है, इंजन ऑप्शन क्या है और मेन इस प्राइस पॉइंट पे आती है, तो आज हम उसके बारे में जानते हैं। चलिए तो सबसे पहले आप देखोगे तो फ्रंट से ये जो ये जो Venom का नया अवतार लगता है वैसे ही ये Tucson का नया अवतार लगता है। ये पूरा सामने से मुझे Venom की जो आईज होती है उसके जैसे लगता है। आपको लगता है या पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो यहाँ पर आप जो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये पूरी LED में DRLs मिल जाती है और हमें LED में फॉग लैंप भी मिल जाएंगे। और ये जो आप ग्रिल देख रहे हो वो ब्लैक किस क्रोम में है जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और ये काफ़ी अटेंशन टू डिटेल भी बना देती है। तो यहाँ पर हमें बीच में Hyundai का लोगो भी मिल जाता है और नीचे आप देखोगे तो कैमरा यहाँ बीच में माउंटेड है जैसे कि आप देख सकते हो। और इसके अभी जो साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो इसके अंदर हमें 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और हमें फ्रंट में और रियर में दोनों भी डिस्क ब्रेक मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया बात है इस कार की। और अभी साइड प्रोफाइल की बात कर ही रहे हैं तो इसकी जो लेंथ है वो 4.6 मीटर की लेंथ मिल जाती है इसके अंदर और इसकी 1.6 मीटर हाइट है। और अभी साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल IRVM मिल जाते हैं। और नीचे आप देखोगे तो जो आपको साइड इंडिकेटर देते हो तो जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो कैमरा मिलता है इसके अंदर वो दिखाने के लिए यहाँ पर कैमरा दिया गया है। और यहाँ पे जो क्रोम देख रहे हो यहाँ से पूरी पीछे तक कंटिन्यू होती है, वो काफ़ी प्रीमियमनेस लुक ऐड कर देता है। और अभी डोर हैंडल देखोगे वो भी बॉडी कलर में ही मिलते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो रिक्वेस्ट सेंसर है वो दोनों मतलब ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड दोनों साइड हमें मिलने को मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं सॉरी। और ये जो आप कार को दूर से देख रहे हो तो ये जो आप देख रहे हो ये बॉडी को काफ़ी और स्मार्टी लुक देने की कोशिश की गई है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो वैसे ही। तो कुछ साइड में से ऐसी दिखती है Tucson, देख लीजिए। और ये जो पूरा जो पोर्शन है ये वाला सी पिलर वाला तो वो तो जब क्या फिर प्रीमियम लुक ऐड कर ही देता है, इतना जो लुक है वो Creta जितना लगता है। और अभी रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो आप पहले ही देखोगे कि क्या कुछ मिसिंग लग रहा है। तो देखोगे तो हमें ऊपर यहाँ पर जो वाइपर मिलता है वो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, उसकी जगह पे तो लोगो है तो वाइपर कहाँ है। तो वाइपर यहाँ उन्होंने यहाँ पर नीचे इंटीग्रेट किया है, वो काफ़ी स्मार्टली इंटीग्रेट किया है। जैसे ही आप ऑन करोगे तो यहाँ से ऊपर से नीचे आके यहाँ से साफ करके ऊपर चला जाएगा, वो काफ़ी स्मार्टली इंटीग्रेट किया है। और आप ऊपर देखोगे तो 7-pin एंटीना मिल जाता है और डिफॉगर भी मिल जाता है। और नीचे जो आप देखोगे तो Venue में आपके आपने जैसे देखा कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाता है, इसके अंदर भी ऐसे ही मतलब सेम ऐसे नहीं है लेकिन कनेक्टेड टेल लैंप उसके जैसे देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर जो एजेस वाले जो एलिमेंट्स दिखते हैं वो काफ़ी बढ़िया और उसको अग्रेशन वाला लुक दे देते हैं। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर हमें पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। तो कैमरा कहाँ है, तो कैमरा यहाँ पर माउंटेड किया गया है जैसे कि आप देख सकते हो। और अभी जो बम्पर की बात करो तो हमें यहाँ पर ब्लैक कलर में ही पूरा बम्पर मिल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें Tucson की बैजिंग मिल जाती है। तो अभी बूट्स की बूट बता देता हूँ, आप एक्सटेंड भी कर सकते हो यहाँ पर लाके उसको यहाँ पर उसको सेट कर दोगे तो ये पूरा लंबा एक्सटेंड हो जाएगा। अभी हमें ज़रूरत नहीं तो अभी इसको छोड़ देते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अभी बूट की बात हो गई, देख लो कुछ ऐसा दिखता है और अंदर से कुछ ऐसे दिखती है कार हमारी। तो अभी ये बूट हम बंद कर देते हैं तो हम आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है और इलेक्ट्रिक बंद करने का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। तो एक पुश करोगे तो ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा।
ये हो गया। और ये जो इतना सा जो पोर्शन है, तो अभी इंटीरियर की बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले आप देखोगे तो इसका कलर देख के आपको इतना प्रीमियम लुक फील होगा ना बॉस, क्या बढ़िया फील आती है अंदर आते ही, एकदम फ्रेश फील आती है। और यहाँ पर आप सीट देखोगे तो इसके अंदर हमें 6-way एडजस्टेबल सीट मिलती है और बफर रेटेड सीट भी मिल जाती है, और हमें ड्राइवर साइड और वो पैसेंजर साइड दोनों साइड ऐसी सीट मिलती है। तो इसकी अभी अंदर से बात करते हैं, तो सबसे पहले ये हमारा स्टेयरिंग से बात करें तो इसके हमें राउंड में ही स्टेयरिंग मिलता है, नीचे फ्लैट बॉटम नहीं मिलता। और यहाँ से आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे में एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो वैसे ही अभी अपनी हाइट की सब एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ बटन दिखेंगे, सीट 1 और सीट 2। तो ये क्या है कि जैसे ही आप अपनी तरह अपनी हाइट के हिसाब से अपने सेट कर लिए सीट, और जिस किसी ने भी चेंज किया है तो आप ये सेट बटन पे आ जाओगे तो अपनी जो पहले सेट की थी उसी पोजीशन में वो वापस आ जाएगी। और ये दोनों पैसेंजर साइड और को पैसेंजर साइड दोनों साइड ऐसा एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप जो डोर पे क्रोम की स्ट्रिप देखोगे, यहाँ से जो स्टार्ट होती है वो पूरी यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ तक पूरे जो राउंड है वो कवर करती है। और यहाँ पर हमें जो एसी वेंट्स हैं वो भी इसी क्रोम की स्ट्रिप से कंटिन्यू होते हैं, और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लगता है टुशन का। और यहाँ पर आप साइड में देखोगे तो यहाँ पर हमें फॉग लैंप जो लेवल अप कर सकते हो उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हमें हीट होल्ड के कंट्रोल मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। और ये भी स्टेयरिंग की बात करूँ तो हमें यहाँ पर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिलते हैं वो, और यहाँ पर हमें क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो है हमारी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसके अंदर हमें 10.2 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जैसे कि हमें एल्केजार में देखा है वैसे इसके अंदर आप जैसे साइड इंडिकेटर दोगे तो इसके अंदर वो कैमरा दिखाएगा, और राइट साइड का दिखाऊंगा तो राइट साइड का दिखाएगा। और इसके अंदर आप क्या देख सकते हो कि अपनी ट्रिप देख सकते हो, कितना किलोमीटर चली है वो देख सकते हो, किस मोड में चल रही है वो सब देख सकते हो, और आउटसाइड टेम्परेचर, कूलर का टेम्परेचर कितना है वो सब इसके अंदर आप देख सकते हो। और अभी यहाँ पे साइड में बात करूँ तो यहाँ भी हमें एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर हमें पार्किंग लाइट मिल जाती है, और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर हमें सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिल जाता है थोड़ा। और अभी इस साइड बात करूँ तो ये है हमारी 10 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आप एंड्रॉयड ऑप्टो एप्पल कारप्ले वो वायर से आप कनेक्ट कर सकते हो, वायरलेस नहीं है अभी इतनी प्राइस पॉइंट पे, अभी वायरलेस मिल जाता तो बढ़िया रहता। और बाकी सब कनेक्टिविटी तो हो ही जाती है, ब्लूटूथ है, रेडियो है, एफएम है, वो तो आपकी कनेक्टिविटी मिलती ही है। और इसके अंदर आप कैसे सेट कर सकते हो, मीडिया है, जैसे हमें वेन्यू में देखा जो 6 आउटसाइड के जो वॉइस थे वो इसके अंदर में मिलने देख सकते हो आप। और यहाँ से आप काफ़ी सारे फीचर्स है जो आप देख सकते हो, यहाँ से आप नेविगेशन कर सकते हो, और ये जो अंदर की जो आइकॉन्स है वो सिमिलर ही अपने जो पहले आता था एल्केजार में, आप वेन्यू में देखोगे वैसे ही आइकॉन्स देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आप यहाँ पर, यहाँ से सेट कर सकते हो। और ये व्हीकल है, ये नेविगेशन है, अपनी हिसाब से ये जो डिस्प्ले है वो सब अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। और ये ब्लू लिंक के काफ़ी सारे नए फीचर्स भी इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। ब्लू लिंक में क्या होगा कि आप जो अपनी जो कार है वो ऐप से स्टार्ट कर सकते हो, अब हॉर्न भी स्टार्ट कर सकते हो, बैठे बैठे एसी भी स्टार्ट कर सकते हो, ऑन ऑफ दोनों कर सकते हो, और इसके अंदर जियो फेंसिंग भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर जो है वो उसके जो इंफोटेनमेंट है उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बटन नहीं है, टच में ही है। और नीचे जो आप देख रहे हो, पहले लगोगे कि अब ये पूरी स्क्रीन है, लेकिन पूरी स्क्रीन नहीं है, ये यहाँ तक स्क्रीन है। और यहाँ पर हमें एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ से अपने जो फैन के है और जो एसी के कंट्रोल है वो लो और अप कर सकते हो। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर हमें यूएसबी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पर हमें जो है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। और अभी साइड में आए तो हमें यहाँ पर जो है गियर का लीवर है अभी जो पार्क मोड में दिया हुआ। और यहाँ पर हमें स्टोरेज की बात करूँ तो अभी यहाँ पर हमें जो दो का फोल्डर तो मिल ही जाते हैं, और अभी यहाँ पे आप डोर पे देखोगे तो वहाँ पर 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जा सकती है, और यहाँ पर भी अपनी 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जा सकती है। और इसकी जो आप पहले तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो इतना बहुत ही बढ़िया इंटीग्रेट कर दिया है ना अंदर की, काफ़ी बढ़िया लगता है यार, आप दूर से देखोगे फिट एंड काफ़ी बढ़िया फिट एंड फिनिशिंग दी गई है।
और यहाँ पर अभी जो हम बात करें तो ये जो ऑप्शन दिख रहे हो वो वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन मिल जाते हैं, वो को पैसेंजर साइड के ऑप्शन है और ये ड्राइवर साइड के ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ से आप ओपन कर सकते हो अपना हैंड रेस्ट को और इसके अंदर भी काफ़ी डिसेंट इनफ की स्पेस मिल जाती है। और अब स्पेस की बात हो रही है तो मैं आपको दिखा दूँ, और यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाता है यहाँ पर, इसके अंदर काफ़ी डिसेंट इनफ की स्पेस मिल जाती है, आपका सामान आराम से आया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखोगे ना तो क्या मटेरियल यूज़ किया गया, क्या एकदम सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डोर तक काफ़ी बढ़िया कम्फर्टेबल सा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो पूरी जो क्रोम की स्ट्रिप है यहाँ से पूरे डोर तक वहाँ तक जाती है और कर्व टाइप में दी गई है, काफ़ी बढ़िया लगती है। और यहाँ पर हमें जो ऊपर देखोगे तो हमें SOS का ऑप्शन मिल जाता है, फिर ये हमारा फेवरेट सनरूफ है, अभी मैंने ओपन किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो, तो काफ़ी एरी एरी फील होता है, काफ़ी बढ़िया पैनारोमिक सनरूफ है। और यहाँ पर हमें LED लाइट्स मिल जाती है दोनों साइड, और ये जो भी वैनिटी मिरर की बात पैसेंजर्स अरेड को पैसेंजर साइड भी मिल जाता है और ड्राइवर साइड भी मिल जाता है, और इस साइड ये एक्सटेंड भी होता है आई थिंक, यस या ये एक्सटेंड भी होता है ऐसे, तो काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिकल तरीके से सोचा है। और यहाँ पर हमें लाइट भी मिल जाती है। अभी ट्यूशन में सेफ्टी की बात कर तो इसका जो टेस्ट किया गया है वो यूरो एनकैप में टेस्ट किया गया है, वो ग्लोबल एनकैप से एक लेवल ऊपर आता है, तो इसके अंदर भी उसने 5 में से 5 स्टार कवर किए हैं, तो सेफ्टी के मामले में इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर में 6 एयरबैग्स मिल जाती है, ABS प्लस EBD मिल जाता है, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट मिल जाता है, और हमें फ्रंट में और रियर में दोनों में रियर पार्किंग सेंसर और फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, और रियर में हमें कैमरा भी मिल जाता है, तो सेफ्टी के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस ट्यूशन में। तो अभी ये बात हो गई सेफ्टी की, तो अभी इसके अंदर जो इंजन ऑप्शन की बात करूँ तो इसके अंदर जो एल्केजार में यूज होता है 2 लीटर वाला CRDF डीजल इंजन वही इसके अंदर ही यूज होता है। अभी तो रियर कैबिन में आ गया, और जो सीट है आगे की वो भी मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल है, तो यहाँ पे भी स्पेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ये लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है, तो इसके अंदर स्पेस ज्यादा ही होगी। लेग रूम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्पेस है, और हेड रूम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही ज्यादा हेड रूम है। और अभी यहाँ पे जो फीचर्स की बात करें तो हमें यहाँ पर AC वेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर हमें चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन हमें जो वेन्यू में देखा तो उसके अंदर हमें 2 C टाइप के ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर दोनों नॉर्मल टाइप के चार्जिंग सॉकेट के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर इसके अंदर C टाइप मिल जाता तो बात काफ़ी बढ़िया रहता। और अभी यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हो तो पूरा सनरूफ यहाँ तक आता है, काफ़ी स्पेशियस लगता है, जैसे आप बाहर ट्रिप के लिए निकलोगे तो बहुत ही एरी एरी फील होगा, जैसे हमने डोर पे देखा फ्रंट में वैसे ही हमें रियर में भी वैसे ही मिल जाता है, और साइड में हमें विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और जो बॉटल होल्डर है वो मिल जाता है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो सॉफ्ट टच मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है और जो कम्फर्टेबल बहुत ही ज़्यादा है, साइड जैसे ही वो डोर पर देखा वैसे ही कहानी यहाँ पर भी है। तो अभी आप ऊपर देखोगे तो ये ग्रैब हैंडल है, और यहाँ पर भी हमें लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, और वो भी LED है, वो काफ़ी बढ़िया बात है यहाँ की। और साइड में आप देखोगे तो हमें यहाँ पे आर्म रेस्ट मिल जाता है, यहाँ पर भी हमें 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। और इसके अंदर जो नई एक बढ़िया फीचर्स कह लो या बात कह लो वो मैं बताता हूँ, ये बटन पुश करोगे तो जो अपने रियर की सीट है वो भी अपने हाइट के हिसाब से मतलब एडजस्ट कर सकते हो अपना रिक्लाइन एंगल, जैसे ही आप इसे पुश करोगे तो सीट तो पूरी आगे आ ही जाएगी, इसको पुश करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये पीछे चली जा रही है, तो ऐसे अपने तरीके से आप सेट कर सकते हो। और हमें रियर में भी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। तो ये सब कहानी थी रियर कैबिन की। तो अब इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी 27 लाख से स्टार्ट होती है और 34 लाख तक आपको टॉप वेरिएंट अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सब बातें थी Hyundai Tucson के बारे में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सा फीचर्स पसंद आया और ये कार कैसी लगी। तो ये सब बातें थी अभी
तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कार चलाते समय सीट बेल्ट पहन राधे।